बुलंदशहर के देवीपुरा में बनाए गए महिला थाने के आसपास जलभराव की स्थिति बनी हुई है। यहां फरियाद लेकर पहुंचने वाली महिलाओं को रास्ते की इस मुसीबत से होकर गुजरना पड़ता है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां तैनात पुलिस टीम और इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को कैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा होगा। थाने के इधर उधर जंगल होने की वजह से थाने के अंदर सांप बिच्छू जैसे खतरनाक जानवरों के आने का डर हमेशा बना रहता है। यहां थाना बना दिया गया लेकिन रोड नहीं बनाई गई। थाने के बराबर में ही तालाब है जिसका पानी थाने के आसपास हमेशा भरा रहता है। थाने पहुंचने के लिए वाहनों को थाने से दूर खड़ा करना पड़ता है, जो कि एक परेशानी का सबब है। या तो यहां पैदल ही पहुंचा जा सकता है या फिर केवल ऊंचे वाहन ही यहां से गुजर पाते हैं। मैं आया था महिला थाने पर, आया था 1 किलोमीटर पीछे गाड़ी खड़ी कर आया हूँ, और यहाँ का जो मेन रास्ता है यही रास्ता बिल्कुल बेकार। जब बताऊँ महिला थाने पर पूरे जिले की शिकायत सुनी जाती है, और जो पूरे जिले के लोग यहाँ आते हैं, जब जिले के मेन रास्ते की एक तरह से मेन रास्ता जब इसकी ये जर्जर हालत है तो औरों को क्या होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब हम इतने परेशान हैं तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका क्या होगा। हम तो हालांकि पास के ही हैं खुर्जा के, लेकिन हमारी गाड़ी जो है, मैं पीछे 4-व्हीलर गाड़ी अपनी पीछे खड़ी कर करके आया हूँ। परेशानी है यार, टान टान के ले आता हूँ परेशानी करके, उतनी दूरी पे तो पैदल टान के ले आता हूँ। हाँ, पास में थाना भी है। तो क्या चाहते हो आप? बन जाए। बहुत परेशानी हो रही है, थक भी जाता हूँ गाड़ी टान टान के, बहुत परेशानी। रोड बन जाए तो दोबारी मेरे मार्ग में। हाँ जी, दिक्कत तो बेहतरी हुई है। क्यों नहीं हुई है दिक्कत? क्या परेशानी है? ये गंदगी से गुजर कर आना पड़ा है, इतनी दूर से पैदल आना पड़ा, रोड बहुत खराब है। आज डरते डरते आना पड़ा, जंगल में महिला थाना है, बच्चों के साथ डर तो लगता ही है, कितना गंदा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ये रोड बन जाए और साफ सुथरा है। नहीं जी, मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे को नहीं पता। ऐसे ही रहता है, जब अभी ऐसा है तो ऐसा ही होगा पहले भी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बुलंदशहर के महिला थाने के हालात बद से बदतर हैं, जिसके चलते यहां ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।